मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक डिमांड वाला वीडियो है। किसी ने मुझसे ये कहा था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में नाकाबंदी क्या होती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करूँ, तो आज मैंने उसी सब्सक्राइबर की डिमांड को पूरा किया है और नाकाबंदी क्या होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए, नाकाबंदी आपने शब्द तो सुना होगा, अगर आप टीवी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं जिसके अंदर पुलिस और अपराधी के बीच में कोई कार्रवाई करते हुए देखते हैं, तो ये आपने शब्द सुना होगा कि उस एरिए की नाकाबंदी कर दी जाए या सीमाओं को नाकाबंदी कर दी जाए ताकि अपराधी जो है एक जगह से भाग के दूसरी जगह ना पहुंच जाए। तो नाकाबंदी यानी कि जो नाके होते हैं उनको बंद कर दिया जाए। सामान्यतः नाकाबंदी के नाम से दिमाग में बस एक ही बात आती है कि पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ने के लिए की गई कार्रवाई। लेकिन हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि में नाकाबंदी कैसे होती है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में नाकाबंदी का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो होता है युद्ध एवं दंडात्मक कार्रवाई। हाल ही में हमने देखा है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उस तनाव के मद्देनज़र भारतीय नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है और इसी क्रम में जो भारतीय नौसेना है उसने अपने युद्धक जहाज़ों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है और तैनात उसने इसलिए किया है कि ताकि युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है तो नौसेना चीन के खिलाफ नाकाबंदी करके उसके युद्धक एवं मालवाहक जहाज़ों को हिंद महासागर में आने से रोक सके। नाकाबंदी का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि में वो है युद्धमान राज्य द्वारा अपनी युद्ध नीति को सफल बनाना। यानी कि उनके क्या कर रहा, भारतीय सेना क्या कर रही है, नौसेना, कि उसने युद्ध जो जहाज है उसके उनको हिंद महासागर पर तैनात कर दिया कि अगर चीन किसी भी तरह का कोई युद्ध की या ऐसी कोई घटना करता है, हरकत करता है, तो हम उसके जो नाकाबंदी कर देंगे, तो उसके जो जहाज है वो मालवाहक या जो युद्धक जहाज है उनको हम आने से रोक सकें अपने एरिया में। नाकाबंदी में शत्रु के समुद्र तटों को इस प्रकार से घेर लिया जाता है कि बाहरी दुनिया से उनको रोक के रखें और बाहरी दुनिया से उनके सारे संपर्क जो है वो टूट जाए। ऐसा करने से शत्रु की जो अर्थव्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जब वो समुद्र के रास्ते से सामान को लेन देन नहीं कर पाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराएगी, उसका आयात रुक जाएगा, उसके निर्यातों में बाधा आती है, राज्य जो है विदेशी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई विदेशी सहायता प्राप्त करना चाहेंगे तो नाकाबंदी की वजह से वो सहायता उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रकार की नाकाबंदी से शत्रु राज्यों को उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता और साथ ही राज्य में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जनता परेशान हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शत्रु राज्य जो होता है वो आत्मसमर्पण करने को विवश हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख विधि शास्त्री ग्रोशियस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डिमोट्रियस जो थी उसमें लिखा था कि डिमोट्रियस ने एंथेस को आत्मसमर्पण के लिए विवश करने के लिए उसे भूखा मारने की योजना बनाई और इस भूखा मारने के क्रम में उन्होंने क्या करा, अनाज पहुंचाने वाले जहाज के स्वामी और चालक को फांसी दे दी। इस प्रकार दूसरे व्यक्तियों को एंथेस में खाद्य सामग्री पहुंचाने से रोक दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंथेस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब नाकाबंदी के बारे में हम और देखते हैं। जब शत्रु के समुद्र तट को युद्धरत राज्य द्वारा इस प्रकार निरुद्ध कर दिया जाता है कि समुद्र तट से या खुले समुद्र में जहाज़ों का आवागमन ना हो सके, तब इसे कहा जाता है नाकाबंदी। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो जनक है
प्रोफेसर ओपेनहाइम इनके अनुसार सभी राष्ट्रों के जलयान या वायुयान के प्रवेश या निकासी के प्रयोजन को रोकने से शत्रु के समुद्र तट या उसके किसी भाग पर पहुंच को सैनिकों द्वारा रोक जाने की या रोके जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है नाकाबंदी। तो नाकाबंदी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय विधि में है, ये समुद्र के अंदर जो नाकाबंदी की जाती है उसको नाकाबंदी कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऐसा देश जो हमें ये लगता है कि हमारा शत्रु है, हमसे युद्ध कर सकता है, तो ऐसे शत्रु के समुद्र से आने जाने का या समुद्र तट से या खुले समुद्र में उसके जहाज़ों का जो आना जाना है उसको हम प्रतिबंधित कर देते हैं, अपने समुद्र अपने जो सेना के वायु सेना है, जलयान है, जो भी है उसको हम वहाँ लगा देते हैं ताकि वो उनके जहाज़ जो हैं वो हमारे एरिया में ना आ सके और दूसरे देश की मदद भी उनको ना मिल सके। मतलब उनके जितने भी अंदर जाने के रास्ते होते हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है नाकाबंदी। नाकाबंदी के आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो नाकाबंदी में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, नाकाबंदी जो है वो सैनिकों द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की नाकाबंदी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाकाबंदी जो है वो सैनिकों द्वारा की जाती है और ये युद्ध की कार्रवाई है, यानी कि युद्ध की कार्रवाई के रूप में इस नाकाबंदी को माना जा सकता है, इसलिए ये युद्ध के दौरान ही की जाती है और इस कारण से ये शांतिपूर्ण नाकाबंदी से भिन्न है। एक नाकाबंदी होती है जो कि हमारी पुलिस वाले कर देते हैं कि भाई जैसे अभी कोरोना के समय में उन्होंने कई रास्ते में नाकाबंदी कर दी थी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर नहीं जा सकते हो, एक एरिया से आप दूसरे एरिया में नहीं जा सकते हो, तो ये नाकाबंदी जो है एक शांतिपूर्ण नाकाबंदी थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो नाकाबंदी होती है वो युद्ध के दौरान की जाती है। दूसरा इसका आवश्यक तत्व है, नाकाबंदी सभी राष्ट्रों के जलयानों के लिए की जाती है और ये निष्पक्ष होनी चाहिए। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है, नाकाबंदी का जो उद्देश्य है वो जलयानों को प्रवेश करने या निकास को रोकने से है। कई बार प्रवेश को और कई बार निकास को ही रोका जाता है, इसे आंतरिक नाकाबंदी कहा जाता है। नाकाबंदी की विधि की अगर हम बात करें या नाकाबंदी की विधि की अगर हम चर्चा करें तो नाकाबंदी की जो विधि है उसका संहिताकरण 1908 और 1909 के लंदन नौसेना सम्मेलन में किया गया था और इसमें कुल 21 प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें से कुछ को अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की नाकाबंदी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। मतलब नाकाबंदी की विधि जो है उसका संहिताकरण जो है 1908 में और 1909 में किया गया था, जो कहाँ पे, लंदन नौसेना सम्मेलन में, और इसके कितने प्रावधान बनाए गए थे, 21। इसमें से कुछ को तो छोड़ दिया जो उनको बाद में लगा कि भाई अपवाद स्वरूप छोड़ दिए, जो उनको लगा कि ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाकाबंदी के रूप में स्वीकार करने लायक थे तो उनको उस स्वीकार कर लिया गया। विधिपूर्ण नाकाबंदी करने वाले राज्य को ये अधिकार है कि वह किसी भी जलयान या यान को पकड़ सकता है, चाहे वह जलयान शत्रु राज्य का हो या तटस्थ राज्य का हो। अगर नाकाबंदी करी है तो फिर वो किसी भी जलयान को पकड़ सकता है। फिर हम बात करें लंदन घोषणा के प्रमुख प्रावधान, जो अन्य प्रावधान थे वो क्या थे, तो पहला, नाकाबंदी प्रभावशाली हो, घोषणा युद्धमान राज्य द्वारा ही हो। तीसरा, शत्रु के बंदरगाहों या समुद्र तट से आगे के प्रदेश में नाकाबंदी नहीं होनी चाहिए, यानी नाकाबंदी क्या हो, एक तो प्रभावशाली हो और दूसरा इसकी जो घोषणा है वो केवल युद्धमान राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए, मतलब कोई भी राज्य घोषणा नहीं करेगा। और जो नाकाबंदी है वो कितनी होनी चाहिए, जो समुद्र मतलब जितने भी आपका शत्रु जो बंदरगाह है या समुद्र तट है बस वहीं तक होनी चाहिए, उसके आगे नहीं। और चौथा, तटस्थ जहाज़ों को केवल युद्ध पोतों की कार्रवाई के क्षेत्रों में ही पकड़ा जा सकता है। तो ये जो नाकाबंदी के कुछ प्रावधान थे जो कि और किए गए थे। अब हम देखते हैं नाकाबंदी का उल्लंघन या फिर नाकाबंदी कब समाप्त होती है।
तो पहले हम नाकाबंदी का उल्लंघन देख लेते हैं। नाकाबंदी करने वाले राज्य की दृष्टि में आपराधिक कार्य होता है और जो जलियान नाकाबंदी का भंग करता है तो उसे माल के साथ ही अभिग्रहित यानी कि जब्त कर लिया जाता है। अगर नाकाबंदी लगी हुई है और नाकाबंदी के दौरान में कोई जहाज आ गया है और वो सामान से लेस है, सामान उसमें लदा हुआ है, तो उसको सामान सहित जब्त कर लिया जाएगा और उसे प्राइस न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में पेश किया जाता है। यदि नाकाबंदी तोड़ने वाले राज्य को नाकाबंदी की जानकारी ना हो तो उसे नाकाबंदी का भंग नहीं समझा जाता है। अब नाकाबंदी जो है वो कब समाप्त हो जाती है? पहला, जब नाकाबंदी करने वाला राज्य उसको वापस ले लेता है। दूसरा, जब युद्ध समाप्त हो जाता है। और तीसरा, जब शत्रु राज्य अपने सैन्य दल को वापस हटा देता है। चौथा, जब नाकाबंदी करने वाला राज्य युद्ध में पराजित हो जाता है। अब हम देखते हैं विश्व युद्ध के दौरान जो नाकाबंदी है वो कैसे होती है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले किए जाने वाले नाकाबंदी के नियमों में शत्रु के बंदरगाह और उसके समुद्र तट के समीप जंगी जहाज़ों का घेरा डालकर उन्हें घेर लिया जाता था। इस परंपरा को समीप की नाकाबंदी कहते थे यानी कि पास की नाकाबंदी। किंतु प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मन बंदरगाह की 1000 मील की दूरी से नाकाबंदी की। क्यों? क्योंकि जर्मन सेना ने बड़े पैमाने पर समुद्र में बारी सुरंगें बिछा रखी थी और पनडुब्बियों द्वारा भीषण विध्वंस कर रखा था। इस कारण मित्र राष्ट्रों द्वारा लंबी दूरी से नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी की यह परंपरागत विधि जो है वह आधुनिक परिस्थितियों में लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि वर्तमान में जो युद्ध की तकनीकियाँ हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आजकल नाकाबंदी का प्रयोजन एक हथियार के रूप में, आर्थिक हथियार के रूप में भी किया जाने लगा है। ये हथियार जो है सैनिक हथियार से कम नहीं होते हैं। इसी हथियार का इस्तेमाल कर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से परमाणु समझौता तोड़ने के पश्चात ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी। तो ये भी एक प्रकार की नाकाबंदी थी। तो दोस्तों, नाकाबंदी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो था जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत नाकाबंदी को समझाया है और मुझे ये आशा है कि आपको जो ये है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।